En esta noche la vida es completa. Well, fans, welcome to another episode of Bollywood This Week. फिल्म नाम अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 12 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट बैंगिंग द रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर एंड फॉरवर्ड. क्यों गाइस, बॉक्स ऑफिस पे पठान का नशा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है एंड रिकॉर्ड्स जो है वो भैया बचा ही नहीं है. तोड़ने के लिए तो क्या तोड़ेंगे, सब टूट गया मेरा भाई. चले गए, शुरुआत करते हैं पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस से. तो पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में पठान ने अब तक यानी कि दोपहर के 4 बज रहे हैं वहां पर 3.55 लाख या फ्रेंड्स 3.55 लाख टिकट जो है वो बेच दी है. यानी इसी के साथ सुल्तान का 3.10 लाख, ठग्स का 3.16 लाख एंड प्रेम रतन धन पायो का 3.40 लाख का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाता है. एंड अब केवल वॉर बचती है जिसने 4.05 लाख टिकट्स जो है नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस यानी कि पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में बेची थी. एंड आई एम डैम श्योर आज रात तो कल सुबह तक टूट जाएगा. एंड गाइस कल यानी कि ट्यूजडे ये केजीएफ चैप्टर 2 से भिड़ेगा. केजीएफ चैप्टर 2 ने 5.5 लाख टिकट्स जो है पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में बेची थी. डे नंबर वन की बात करते हैं, उसके बाद मेन गेम शुरू होगा. डे नंबर वन पे वॉर का जो एडवांस बुकिंग था हाईएस्ट था 26.90 करोड़. ये पठान को कैसे भी तोड़ना है. एंड अभी फिलहाल यहां पर शाम तक पठान ने 21.40 करोड़ 21.40 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो यहां पर कर ली है. अब गाइस पठान के पास आज का आधा दिन बचा है, कल का पूरा दिन बचा है. डेफिनेटली वॉर का जो 26.90 करोड़ का रिकॉर्ड है वो पठान डेफिनेटली तोड़ देगा. अब गाइस बात करते हैं टिकट सोल्ड की. तो ओनली फॉर डे वन पठान ने 7,02,000 7,02,000 टिकट जो है वो बेच दी है. एंड गाइस यहां पर बात करूं डे टू की यानी कि रिपब्लिक डे की, तो पठान ने 12.45 यानी कि 12.45 करोड़ का रिपब्लिक डे का एडवांस बुकिंग कर लिया है. एंड रिपब्लिक डे पे भी 4,16,600 टिकट्स बेच दी है. ये तो बॉस पहले दो दिन की कहानी हुई, लेकिन बाकी के दिनों में भी पठान ने 12.75 करोड़ का एडवांस बुकिंग किया है. यानी कि इसके बाद जो फ्राइडे सैटरडे संडे है वो मैं वो सब मिला लूं तो 12.75 करोड़ की एडवांस है. एंड 5,39,000 टिकट सोल्ड, यानी कि पठान हैज ब्रोकन एवरीथिंग. एंड सभी दिनों का एडवांस बुकिंग में मिलाऊं देन गाइस पठान ने 46.60 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. दिस इज द बिगेस्ट बैंग ऑन द बॉक्स ऑफिस बाय शाहरुख खान पठान. यहां पर तुम लोग सिर्फ पहले दिन का इंतजार कर रहे थे ना, पहले दिन तो फाड़ा ही फाड़ा, रिपब्लिक डे भी फाड़ा, लेकिन मेरा भाई जो मेन ऑडियंस है ना वो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आएगी. इतिहास लिखने जा रहे हैं शाहरुख खान पहले वीकेंड का, एक्सटेंडेड वीकेंड का. एंड गाइज यहां पर अब तक 16.57 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड, टू बी वेरी प्रिसाइज 16,57,600 टिकट्स हैव बीन सोल्ड. वॉर का ऑल एडवांस बुकिंग, सिर्फ पहला दिन नहीं पूरा जब तक का आपका खुला एडवांस बुकिंग जहां तक बुक कर सकते हो 41.60 करोड़ का था. पठान राइट नाउ पूरा आज का दिन है, कल का पूरा दिन है 46.60 करोड़ के एडवांस. यानी कि वॉर ने वॉर के बाद जो रिकॉर्ड बनाए थे वो पठान ने तोड़ दिया. यानी कि बॉलीवुड में कोई भी फिल्म पठान के सामने एडवांस बुकिंग में नहीं टिकी है. सबका रिकॉर्ड पठान ने लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर फॉरवर्ड जो है वो तोड़ दिया है. तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर शाहरुख खान, क्योंकि गाइस दिस इज गोना बी अ ह्यूज ह्यूज ओपनिंग. बात करते हैं शो काउंट की. गाइस मुंबई के शो काउंट की बात करते हैं. मुंबई में कल क्या बोला था मैंने, 1400 शोज लेके उतरे की मैदान में. ऐसा लग रहा है कि शो काउंट जो है वो 1450 भी हो सकता है, क्योंकि गाइस पठान राइट नाउ मुंबई 1391 शोज मोर देन 200 प्लस फास्ट फीलिंग एंड हाउसफुल शोज है. यहां पर ऑक्यूपेंसी टचिंग 30%, मुंबई 30% ऑक्यूपेंसी पे आ रहा है. गाइस दिस इज क्रेजी, ये डेंजरस हो रहा है गेम है बॉक्स ऑफिस पे. दिल्ली एनसीआर द्राइए भाई 1400 शोज दिल्ली एनसीआर 29% ऑक्यूपेंसी, मोर देन 220+ शोज इन फुल एंड फास्ट फिलिंग कैटेगरी. पुणे 526 शोज 23% ऑक्यूपेंसी, लेकिन मेन धमाल जो है बेंगलुरु हैदराबाद कोलकाता ये तीन जगहों पर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. नम्बर बेंगलुरु 622 शोज, टू बी वेरी प्रिसाइज बात करते हैं 130 क्लीन हाउसफुल है.
sure shot was full and 120 fast filling a 46% occupancy. Game begins in Hyderabad. Hyderabad 548 shows mein 165 clean house full and 170 fast filling hai, occupancy of almost 60% touch kar raha hai. Kolkata ki baat karu, this is crazy. कोलकाता ने यहां पर दिखा दिया है कि शाहरुख खान का जो पुल है कोलकाता में कितना स्ट्रांग है. कोलकाता में 453 शोज में यहां पर 150 क्लीन हाउसफुल है एंड 165 फास्ट फिलिंग 68% की ऑक्यूपेंसी है. अहमदाबाद जॉइनिंग इन द पार्टी. 564 शोज है अहमदाबाद में गाइस एंड ऑलमोस्ट 15% ऑक्यूपेंसी. लेकिन चेन्नई द न्यूमरो उनो द स्ट्रांगेस्ट रिकॉर्ड नंबर चेन्नई. हम देखते हैं किस तरह से ऑलमोस्ट 50-55 मैक्सिमम 60 शोज लेके पिक्चर जो है मैदान में उतरती है. चेन्नई में यहां पर जो शो काउंट है फिलहाल 95 है. 45 फास्ट फिलिंग 20 प्लस क्लीन फुल है. 68% ऑक्यूपेंसी. अदर स्ट्रॉन्ग जोन्स लखनऊ 280 शोज 29% ऑक्यूपेंसी. कानपुर 78 शोज 42% ऑक्यूपेंसी. बात करो गाइस लुधियाना 91 शोज 15% ऑक्यूपेंसी. नासिक 52 शोज 32% ऑक्यूपेंसी. बात करो इंदौर की 145 शोज 29%. भुवनेश्वर सॉलिड 72 शोज में ऑलमोस्ट 41% की ऑक्यूपेंसी है. पर लुक एट रांची 75 शोज 30% ऑक्यूपेंसी. गुवाहाटी 92 शोज 50 फास्ट फिलिंग 52%. प्रेडिक्शन इंक्रीजेस. My new prediction for Pathaan on its first day at the Indian box office is 45 crore rupees. Trust me, aaj raat ko jitna sona hai solo, aaram se solo. Kyunki guys, kal raat ko there is no solo, raat bhar jagna hai. Kyunki guys, itni excitement hai. I'm damn sure kisi ko bhi kal raat ko neend nahi aane wali. Especially Shahrukh Khan ke fans ke liye, kal raat jagne wali raat hone wali hai. Kyunki guys, jinke shows subah 6 baje aur 7 baje ke hai. नींद नहीं आएगी. आई स्टिल रिमेम्बर केजीएफ चैप्टर 2 देखने जा रहा था तो वो रात को नींद ही नहीं आ रही थी. आई एम डेफिनेटली श्योर पठान के दिन भाई सब लोग जागने वाले हैं. सो गाइस आज का दिन बहुत ही बाप लेवल पे किक स्टार्ट हुआ है एंड रात तक ये क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा या आप सोच भी नहीं सकते हो. वो मैं रात के एपिसोड में आपको बताऊंगा. आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. पठान के टिकट्स नहीं बुक किए जाके बुक कीजिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में. ऑल रिकॉर्ड्स इन एडवांस बुकिंग फॉर बॉलीवुड फिल्म्स हैव बीन ब्रोकन बाय पठान साइन सील्ड एंड डन. स्टे कूल मैन.